गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैं अपना घर पे ही पेडिक्योर कैसे करती हूँ ये शेयर करने वाली हूँ। आज मैं जितनी भी चीज़ यूज़ करूँगी वो सारी चीज़ आपको आसानी से घर में ही मिल जाएगी। आप लोगों को मार्केट में से पेडिक्योर किट या फिर कोई भी क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग घर पे ही नेचुरली पेडिक्योर कैसे करते हैं ये सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने एक टब में गर्म पानी ले लिया है। ज़्यादा गर्म पानी मत लीजिएगा, हल्का वार्म वाटर ही लीजिएगा। अब मैं उसके अंदर शैम्पू मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर लेमन के 8 से 9 ड्रॉप डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आप कोई भी अपना फेवरेट कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए। मैं अभी पैराशूट का कोकोनट ऑयल मिक्स कर रही हूँ। अपने हाथ की मदद से मैं ये सब मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने दोनों पैर को अंदर रखूँगी। अब हम अपना स्क्रब रेडी करेंगे। मैंने स्क्रबिंग के लिए लेमन और शुगर को यूज़ किया। स्क्रबिंग करने से आपकी जितनी डेड स्किन है वो सब निकल जाएगी। बस अब हम इस ब्रश की मदद से अपने पाँव में अच्छे से मसाज कर लेंगे रगड़ के। और कोशिश करें कि आप जब भी पेडिक्योर करें वो रात को करें, क्योंकि पेडिक्योर करने के बाद तुरंत सनलाइट में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पेडिक्योर करने के बाद आपकी सब डेड स्किन निकल जाती है, और उसके बाद तुरंत आप सनलाइट में जाओगे तो आपकी स्किन काली हो सकती है या फिर सनबर्न की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बस मैंने अपने पैर को अच्छे से साफ कर धो लिया है। अब मैं अपने नेल को मॉइस्चराइज करने के लिए ये कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।